1 फरवरी साल 2003 का वो दिन भारतवासियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि इसी दिन भारत ने अंतरिक्ष में जाने वाली इंडियन ओरिजिन की पहली महिला कल्पना चावला को खो दिया था। 16 जनवरी साल 2003 को नासा द्वारा फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपने कोलंबिया स्पेस शटल को अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए लॉन्च किया, लेकिन वापस लौटते समय दुर्भाग्यवश अमेरिका के टेक्सास के ऊपर ही कोलंबिया स्पेस शटल टुकड़ों में बिखर गया और कल्पना चावला सहित 7 क्रू मेंबर्स की मृत्यु हो गई। उन्होंने ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया पर अपने नाम का झंडा गाड़ा है। कल्पना चावला हर लड़की के लिए हमेशा से प्रेरणा रही है, जब वो जीवित थी तब भी, और आज जब वो हमारे बीच नहीं है तब भी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने भारत से नासा और फिर नासा से अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। तो उनके इस इनक्रेडिबल जर्नी को जानने के लिए इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के करनाल से, जहां 17 मार्च साल 1962 को उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्होंने आसमान में जाने का सपना देखा था और जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी किया था। करनाल से अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया। उनके शुरुआती पढ़ाई के दौरान उनके पिता उन्हें हवाई जहाजों को दिखाया करते थे, जिसके चलते उन्होंने तय किया कि वो भी आसमान का सफर करेंगी। खैर, अपने सपने को पूरा करने के लिए वो साल 1982 में इंडिया से अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना शुरू किया और साल 1984 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल किया। साल 1986 में अपना दूसरा मास्टर्स करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी किया। उसके बाद उन्होंने नासा के आर्म्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया, जहां उनका मुख्य काम रिसर्च करना था। दोस्तों, चावला एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। उनके पास एयरप्लेन्स, ग्लाइडर्स एंड कमर्शियल पायलट जैसे कई प्लेन्स को उड़ाने का लाइसेंस भी था और 19 नवंबर 1997 को 7 क्रू मेंबर्स के साथ उनका पहला स्पेस मिशन शुरू हुआ और यहीं से शुरुआत हुई उनकी इनक्रेडिबल जर्नी की। इस कोलंबिया स्पेस शटल मिशन को STS-87 नाम दिया गया था। आपको बता दें कि उन्होंने अपने 6 अन्य एस्ट्रोनॉट क्रू मेंबर्स के साथ 10.67 मिलियन किलोमीटर ट्रेवल किया और उस दौरान धरती के ऑर्बिट का 252 बार चक्कर लगाया। हालांकि इस मिशन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 15 दिन और 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया था। उसके बाद 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल धरती पर सक्सेसफुली लैंड किया। अपने पहले मिशन के बाद ये पहली भारतीय मूल की महिला बन गई जिसने अंतरिक्ष में यात्रा किया। खैर, अपने इस पहले मिशन के बाद उन्हें प्रमोट करते हुए हाई पोजीशन का काम सौंपा गया। उसके बाद साल 2001 में उन्हें अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, जो उनकी दूसरी और दुर्भाग्यवश आखिरी स्पेस मिशन के रूप में समाप्त हुआ। इस स्पेस मिशन का नाम STS-107 दिया गया था, जिसमें कल्पना चावला सहित कुल 7 एस्ट्रोनॉट का क्रू मेंबर्स शामिल थे। अब आप सोच रहे होंगे कि उनका दूसरा कोलंबिया स्पेस शटल तो साल 2003 में रवाना हुआ था। जी हां, आप बिल्कुल सही है। इस मिशन में कई तकनीकी खराबी होने के कारण अपने फाइनल उड़ान भरने से पहले इसे कुल 18 बार डिले किया गया था। कहा जाता है कि स्पेस शटल इंजन के लाइनर में क्रैक भी मिला था। खैर, सभी दिक्कतों से पार पाते हुए फाइनली 16 जनवरी साल 2003 को
फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एसटीएस 107 ने अंतरिक्ष में जाने के लिए अपना 28वां और आखिरी उड़ान भरा। कहा जाता है कि उड़ान भरने के दौरान ही स्पेस शटल के बाहरी फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फॉर्म का टुकड़ा टूट कर गया था। स्पेस शटल की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से यह छोटा सा टुकड़ा ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से जब जाकर टकराया तब उससे एक छेद हो गया। वैसे यहीं से ही सभी क्रू मेंबर्स की जान खतरे में पड़ गई थी। इस बात को जानते हुए भी कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि स्पेस शटल काफी रफ्तार से बादलों को चीरते हुए अपने मंजिल की तरफ जा रहा था। दोस्तों, एक स्पेस शटल जब पृथ्वी के ऑर्बिट से एग्जिट या फिर उसमें एंटर करता है तो इस दौरान उसे काफी ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस हीट से बचने के लिए स्पेस शटल के हर एक हिस्से में थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इंसुलेशन फॉर्म का टूटना कोई नई बात नहीं थी। कहा जाता है कि पिछले मिशन्स के दौरान भी ऐसा कई बार हो चुका था, लेकिन इस बार यह इंसुलेशन फॉर्म कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया था। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, स्पेस शटल की रफ्तार काफी तेज थी, इसलिए उसे रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन था। वैसे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा के वैज्ञानिकों को इस बात की खबर लग चुकी थी कि स्पेस शटल के विंग्स में होल हो गया है, लेकिन उन्होंने फिर भी अंतरिक्ष में जा रहे एस्ट्रोनॉट को इसके बारे में नहीं बताया। इसका सीधा सा जवाब है कि वे इस स्पेस शटल को रोकने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को नहीं बताया ताकि वो घबरा ना जाए और स्पेस शटल समय से पहले ही घटनाग्रस्त ना हो जाए। इसलिए मिशन जैसे चल रहा था वैसे ही उसे चलने दिया गया और बस स्पेस शटल के सकुशल वापस आने का इंतजार किया गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा ना हो सका। वैसे दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि नीचे बैड वैज्ञानिकों को एग्जैक्ट इस बात का पता नहीं चल पाता है कि आखिर उसमें कितना अधिक डैमेज हुआ है, और इन्फॉर्म करने के बाद भी स्पेस शटल में मौजूद एस्ट्रोनॉट के लिए डैमेज पार्ट का रिपेयर करना नामुमकिन था। खैर, वैज्ञानिकों द्वारा जिस प्रकार की दलीलें दी गई उसको हमने आपके सामने रखा। कुछ लोगों के द्वारा ये भी एलिगेशन लगाया गया कि नासा के वैज्ञानिकों की लापरवाही थी, और यहीं तक नहीं, कुछ ने तो इसे साजिश करार दे दिया। लेकिन कुछ भी हो, सच्चाई तो यही है कि डैमेज होने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता था सिवाय प्रे करने के। दोस्तों, अपने मिशन को पूरा करने के बाद 1 फरवरी साल 2003 को भारतीय समय के अनुसार शाम के 7:46 को कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 कैनेडी SLF रनवे पर लैंडिंग करने वाला था। 15 दिन 22 घंटे और 32 सेकंड अंतरिक्ष में बिना किसी दुर्घटना के कोलंबिया स्पेस शटल के लिए अंतिम पड़ाव धरती के एटमॉस्फेयर को पार करके सेफ्टी लैंडिंग करना था। लेकिन 7:10 पर जैसे ही स्पेस शटल ने धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो वैसे ही ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग में हुए छेद के कारण गर्म हवाएं अंदर जाने लगी और वहां के थर्मल सेंसर में हाई टेम्परेचर शो होने लगा। काफी हीट के चलते थर्मल सेंसर ही काम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे पूरे स्पेस शटल का बुरा हाल होने लगा। इसके साथ ही उसके अंदर का प्रेशर भी अपने सामान्य अवस्था में नहीं था। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय तक सभी एस्ट्रोनॉट बेहोशी की हालत में हो चुके होंगे। 7:30 के बाद महज 5 में ही स्पेस शटल आग में बदल गया और वो टुकड़ों में टेक्सस के ऊपर आकर गिर गया। कहा जाता है कि वहां जो लोग आए थे स्पेस शटल के सफल वापसी के लिए और सभी एस्ट्रोनॉट को बधाई देने के लिए, उस भयंकर नजारे को देखकर वहां पर आए हुए वे सभी लोग पूरी तरह से सदमे में आ गए थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। बस उन्हें आसमान में
धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था और काफी तेज आवाज भी सुनाई दे रही थी। इसके साथ ही स्पेस शटल के टुकड़े जमीन पर गिरते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो नजारा कितना भयंकर होगा। खैर, स्पेस शटल जिस इतिहास को रचने वाला था वो एक बुरी याद बनकर हमेशा हमेशा के इतिहास में अमर हो गया। स्पेस शटल में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस मिशन के लिए वे जा रहे हैं वो मिशन उनके जिंदगी का आखिरी मिशन बन जाएगा। दोस्तों, जिन क्रू मेंबर्स को हमने हमेशा के लिए खो दिया उनमें कल्पना चावला के साथ मिशन कमांडर रिक हस्बैंड, पायलट विलियम मकूल, पेलोड स्पेशलिस्ट आइलैन रेमन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, माइकल एंडरसन और लॉर क्लार्क मौजूद थे। इनके मृत्यु के बाद अमरीकी सरकार द्वारा कई चीजों के नाम इनके नाम पर रखे गए ताकि ये लोग हमारी यादों में बसे रहे और हम उन्हें भूले नहीं। वैसे इस दर्दनाक घटना को कोई भूल नहीं सकता है क्योंकि ये भयानक मंजर हर किसी के दिलो दिमाग में बस चुका है। दोस्तों, देश की बेटी कल्पना चावला ने अपने देश का नाम बहुत ऊंचा किया। आज वो कई लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं। आपको बता दें कि 40 साल की उम्र में उनकी ये दर्दनाक मृत्यु हुई थी। आज भले ही ये हमारे बीच नहीं है लेकिन वो हर देशवासी के जहन में बसी हैं। खैर, इस वीडियो को अब समाप्त करने का वक्त आ गया है। वैसे आपको क्या लगता है, वाकई ये कोई साजिश थी जैसा कि कुछ लोग इस तरह का एलिगेशन लगा रहे थे या फिर एक हादसा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।